हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। बेंडिंग इक्वेशन पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूं, जो कि शेप में सिमेट्रिक नहीं है। अभी तक हमने सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन वाले बीम का जो है उसमें बेंडिंग इक्वेशन का एप्लीकेशन समझाया था। आज नॉन सिमेट्रिक बीम में जो है ये कैसे अप्लाई किया जाता है इसके बारे में समझाया जाएगा। तो एक फिगर में बीम के डिटेल्स दिए हुए हैं, तो जो फिगर बना हुआ है क्वेश्चन में वो इस तरह से है। एक हमारे ये आई बीम है, आई बीम की ऊपरी फ्लेंज हमारी छोटी है, नीचे की फ्लेंज बड़ी है। हाँ, मोटाई प्रत्येक पार्ट की समान है। यहाँ भी 20 mm है, ये भी 20 mm है, इसकी भी मोटाई चौड़ाई ये 20 mm है, और इसका जो ये नीचे चौड़ाई है ये हमारी 120 मिलीमीटर की है, ये ऊपर की जो चौड़ाई है ये 80 मिलीमीटर की है। इस तरह से ये बीच का जो यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है ये हमारी 100 mm की है। ये 100 mm यहाँ लिखा हुआ है, ये 20 mm लिखा हुआ है, ये 20 mm। तो ये डाटा हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो ये फिगर दिया हुआ है। और इस फिगर के बाद ये बताया गया है कि इसके ऊपर 10 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। तो 10 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट जब लग रहा है तो डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो इस बीम में जो है अधिकतम शियर स्ट्रेस कितना उत्पन्न होगा इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बीम है, तो इस तरह के जो नॉन सिमेट्रिक क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले हम इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी अननोन होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए पहले सबसे पहला काम तो ये होता है कि हम बीम को सावधानी से देखें और ये देखें कि क्या बीम एक्स अक्ष के अबाउट या वाई अक्ष के अबाउट, किसी भी अक्ष के अबाउट क्या सिमेट्रिक है। बीम सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? बीम के मध्य से होकर जाने वाली एक ऐसी अक्ष जिसके दोनों तरफ के भाग एक दूसरे की मिरर इमेज हों, यानी जैसा भाग बीम के एक तरफ हो, सेक्शन के एक तरफ हो, और ठीक उसी तरह का बनावट उसके दूसरी तरफ हो, तब वो सेक्शन सिमेट्रिक कहलाता है। तो यहां पर देखिए, पहले हम वाई अक्ष को पहले देखते हैं। ये वाई अक्ष हमारी ये जा रही है बीम की, वाई अक्ष के इस डायरेक्शन में जो इसकी आकृति है वो ये है, और इसके बाईं तरफ इसकी जो आकृति है वो ये है, दाहिनी तरफ ये है, बाईं तरफ ये है। हम देखते हैं कि दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ के बनावट बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी इसको अगर हम पलट के यूं रख दें तो ये इसी की मिरर इमेज कहलाती है। तो इसलिए ये वाई एक्स के अबाउट ये सेक्शन हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। जब ये सिमेट्रिक है इसका अर्थ ये हो जाता है कि इससे पूरे खंड का जो गुरुत्व केंद्र है वो इस अक्ष के ऊपर ही रहेगा। ये स्थित कहीं भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस अक्ष से इधर या इधर दाहिने या बाईं तरफ नहीं हटेगा, रहेगा इस अक्ष के ऊपर ही। तो इसकी सिमिट्री एक अक्ष के अबाउट तो है इस फिगर की, लेकिन वाई अक्ष के अबाउट इसमें देखिए, हम अगर बीच बीच में लाइन खींच दें, इसके ऊपर की आकार और इसके नीचे का आकार भिन्न भिन्न हो जाता है, तो इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, इसका ये प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा, न इसका ये प्रतिबिंब ये बन सकता, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है तो इमेज तो उतनी लंबाई का बनेगा। इसलिए एक्स अक्ष के अबाउट ये खंड हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्री जरूर देख लेनी चाहिए, रेगुलर आकृति जितनी भी होती है उनमें सिमेट्री जो है हमेशा दोनों अक्षों पर होती है। जैसे ये आयत ले लें, ये स्क्वायर ले लें, स्क्वायर में देखिए ये इस अक्ष पर भी सिमेट्रिक है, इस पर भी सिमेट्रिक है, तो गुरुत्व केंद्र ये हमारा हो गया, इसे हमें कोई कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही सर्किल के केस में देख लीजिए, इस अक्ष पर भी सिमेट्री है, इस अक्ष पर भी सिमेट्री है, इसलिए इसका गुरुत्व केंद्र हम डायरेक्ट मिडिल लाइन खींच करके निकाल लेते हैं। ऐसे रेक्टेंगल के केस में भी यही चीज आती है, इसके ये भी इस अक्ष पर भी सिमेट्री है और इस अक्ष पर भी सिमेट्री है, लेकिन जैसे ही इसकी आकृति बदल जाती है, ये रेगुलर हो जाती है, मान लो ये आकृति हो गई, तो ये इस अक्ष पर तो सिमेट्रिक है लेकिन इस अक्ष पर सिमेट्री नहीं है, ये ऊपर की आकृति नीचे का प्रतिबिंब नहीं हो सकती। तो अब एक्स अक्ष पर सिमेट्री नहीं है तो इसका मतलब है कि गुरुत्व केंद्र
यानी इसकी जो एक्चुअल एक्स अक्ष है ये कहां से होकर के गुजरेगी यही नहीं मालूम है, तो उसी की पोजीशन ज्ञात करने के लिए हमको ये दूरी ज्ञात करनी है, यानी इसी पर दूरी नापनी है यानी वाई डायरेक्शन में। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हम अपने जो दिया हुआ खंड है इसको कई प्रकार के रेक्टेंगल्स में, अलग अलग रेक्टेंगल्स में डिवाइड एज्यूम कर लेते हैं। जैसे हम एक यहाँ डॉट लाइन एज्यूम करते हुए एक रेक्टेंगल ये मान लेते हैं, एक रेक्टेंगल ये मान लेते हैं बीच का, और एक रेक्टेंगल ये मान लेते हैं। तो तीन हमारे रेक्टेंगल हो गए। पहला काम, तीनों के एरिया आप निकाल लीजिए जो दिए गए डायमेंशन है। यहाँ देखिए A1 बराबर 120 गुणे 20, A2 बराबर इसका एरिया ये 20 गुणे 100, 100 गुणे 20, तो ये A2 इसका एरिया हो गया, इसका एरिया 80 गुणे 20। इस तरह से पहला काम यही कीजिए कि A1, A2 और A3 तीनों के एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए। तीनों के एरिया कैलकुलेट कर लेने के बाद इसकी वाई डायरेक्शन में, अब फिर इसके बाद तीनों एरिया का गुरुत्व केंद्र इस पर मार्क कर दीजिए कि जैसे ये वाला रेक्टेंगल है इसका गुरुत्व केंद्र यहां पर है, ये जो रेक्टेंगल है इसका गुरुत्व केंद्र इसके मिडिल में है, ये जो रेक्टेंगल है इसका गुरुत्व केंद्र इसके मिडिल में है। इसको हमने G1 मान लिया, इसको G2 मान लिया, इसको G3 मान लिया। तो जब इसको G1 मान लिया तो इसकी जो बेस से, आधार से, किसी भी एक सिरे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम आधार से सभी दूरियां कैलकुलेट करेंगे। तो आधार से G1 की दूरी कितनी है, तो इसको हमने Y1 मान लिया, यहां से यहां तक की दूरी Y1। तो ये Y1 हमारी कितनी हो जाएगी, 20 का हाफ हो जाएगी, मिडिल में है चूंकि, तो Y1 बराबर 10 mm लिख लिया हमने। इसके बाद जो इसका गुरुत्व केंद्र है इस रेक्टेंगल का, ये आधार से कितना होगा, तो ये देखिए यहां से यहां तक ये कितना था, 100 था। जब 100 का ये हाफ कितना हो गया, 50 यहां से यहां तक हो गया, और ये यहां से यहां तक 20 है, तो 50 और 20 70। इस तरह से ये Y2 की वैल्यू 70 mm हो गई, और Y3 की वैल्यू देख लो यहां पर, ये 20 तो ये है, 100 ये हो गया तो 120 हो गया, और ये यहां से यहां तक 10 हो गया, तो इस तरह से 130 हो गया, तो ये 130 mm हो गया। इस तरह से Y1, Y2, Y3 इन तीनों के मान निकाल लिए। इनके मान निकालते ही इसके बाद हम गुरुत्व केंद्र की दूरी का एक फार्मूला लगाते हैं। मान लीजिए इनका परिणामी गुरुत्व केंद्र वाई यहां पर स्थित है, तो इसको हमने जी मान लिया, और जी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा यानी यहां से ये दूरी होगी वो वाई बार मान लेते हैं। तो वाई बार बराबर A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 बटे A1 प्लस A2 प्लस A3। तो ये फार्मूला आपने किया होगा पहले, और सिंपल मैकेनिक्स का फार्मूला है। इसमें बलों के स्थान पर क्षेत्रफल लिए गए हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग, के आघूर्णों का योग उनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। बस इसी थ्योरम का यहाँ प्रयोग करके, ये परिणामी एरिया है इसका आघूर्ण हो गया, और ये अलग अलग आघूर्ण हो गए, तो इस तरीके से बाई बार हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बाई बार हमारा ज्ञात हो गया। तो ये तो बाई बार ज्ञात हो गया। बाई बार ज्ञात हो जाने के बाद हम इसमें गुरुत्व केंद्र के बारे में एक चीज और साथ ही साथ बता देना चाहते हैं। मान लीजिए एल आकार की कोई वस्तु है, तो यहां पर आप देखें क्या ये एल आकार का जो हमारी आकृति है, क्या ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी भी अक्ष पर सिमेट्रिक है? ये ना तो इस अक्ष पर सिमेट्रिक हो रही है, ना इस अक्ष पर सिमेट्रिक हो रही। तो इसमें हमको गुरुत्व केंद्र के दोनों कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो हम इसमें सुविधा के लिए क्या करते हैं, इसको मूलबिंद मान लेते हैं, ये इसकी अक्ष मान ली, ये वाई मान ली, ये अपने बेस अक्ष मान लिए, यहां से फिर इसका एरिया A1 मान लिया, इसका एरिया A2 मान लिया, ऐसे डिवाइड करके A1 A2, इसका गुरुत्व केंद्र G1 मान लिया, इसका गुरुत्व केंद्र G2 मान लिया, फिर इसके कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट कर लिए। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, X1 Y1। इसका X1 कहां से कहां तक नापा जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी X1 हो गई, ये Y1 हो गई। तो ये X1 यहां से कितना हुआ, 100 का आधा 50 हो गया, और ये Y1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 50 10, X1 Y1 50 10 हो गए। X2 Y2, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं, ये कैसे निकालेंगे, X2 हमारा यहां से यहां तक होगा, ये तो 10 के बराबर है, और Y2 यहां से यहां तक का होगा, जिसमें ये हमारा टोटल 120 है, इसमें से ये 20 कम हो जाएगा, तो यहां से यहां तक कितना बचा, 100 बचा,
100 का आधा ये 50 ये हो जाएगा, और 50 में 20 और जोड़ दो 70 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका वाई टू जो है 70 का हो जाएगा। तो ये एक्स टू वाई टू ज्ञात हो गए। एरिया ए वन ए टू ज्ञात ही हो गए। ये एरिया 100 × 20 यानी ए वन हो गया 100 × 20, और ए टू एरिया ये भी हमारी दूरी यहां से यहां तक कितनी बची थी 100 बची थी, तो 100 × 20 ये ए टू भी हो गया। बस ए वन ए टू सब मालूम है। तो इसमें जो हम निकालेंगे अपना परिणामी गुरुत्व केंद्र जी जहां पर होगा उसके निर्देशांक एक्स बार वाई बार होंगे। एक्स बार बराबर ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू बटे ए वन प्लस ए टू। इस फार्मूले से एक्स बार ज्ञात हो जाएगा। इसी तरीके से वाई बार वाला फार्मूला लगा देंगे, वाई बार बराबर ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू बटे ए वन प्लस ए टू। तो इस फार्मूले से यानी हमको जो गुरुत्व केंद्र है एक्चुअल गुरुत्व केंद्र है उसके कोऑर्डिनेट ज्ञात हो गए, यानी ये दूरी भी ज्ञात हो गई ये दूरी भी ज्ञात हो गई, तभी हम गुरुत्व केंद्र को स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद हमें जिस बिंदु पर जिस अक्ष पर इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना हो उसी के अबाउट कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये तो मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद हमको इस सी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम कैलकुलेट करेंगे तो देख लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। इसकी गणना करने के लिए हम यहां पर फिर से एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ये दो प्रमेय हैं, दो थ्योरम हैं जिनका उल्लेख एक बार करना चाहेंगे। पहली थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहलाती है, समानांतर अक्ष प्रमेय कहते हैं इसको। ये है क्या इसको जरा शब्दों में समझ लें। ये माना कोई सा एरिया है, और जब ये कोई सा एरिया है और हमको इस एरिया का ए बी एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझें, एरिया हमारा ये है, इस एरिया का ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सी जी है, इस एरिया का ए बी एक्स जो कि यहां से नहीं गुजर रही है या कहीं अलग से है, ए बी एक्स के परिता जड़त्वागुण ज्ञात करना है। तो ए बी एक्स के परिता जड़त्वागुण ज्ञात करने के लिए जो पहले एक्स थ्योरम का फॉर्मूला लगाया जाता है वो इस तरीके से है, आई ऑफ ए बी यानी ए बी एक्स के परिता जड़त्वागुण, इसको हम आई ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ए बी अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण यानी आई ए बी लिखेंगे, बराबर क्या होगा आई जी। अब यहां पर आई जी की डेफिनेशन क्या है, जिस अक्ष के परिता आपको आघूर्ण ज्ञात करना है उसी अक्ष के समानांतर इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली एक अक्ष खींच लो, यानी यहां से एक ऐसी रेखा खींचो जो इसी रेखा के पैरेलल हो, फिर इस अक्ष पर जो इसका जड़त्वागुण होगा यानी ये अक्ष चूंकि गुरुत्व केंद्र से होकर के जा रही है तो इस अक्ष के अबाउट इस एरिया का जो जड़त्वागुण होगा उसी को आईजी लिखा जाता है। तो ये हमारा आईजी हो गया प्लस इसका संपूर्ण एरिया लिख लें एरिया इंटू इसके एरिया का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी दी हुई अक्ष से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको एच बार से डिनोट किया इसके वर्ग से गुणा कर देंगे। यानी एरिया में किसका गुणा करेंगे, इसके एरिया में गुणा कौन सा करना है, इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी कहां से दी हुई अक्ष से जो लंबिक दूरी है इस दूरी के वर्ग का गुणा करेंगे। तो इस तरह से गुणा करने से जो हमारा ये राशि प्राप्त होगी यही हमारा इस अक्ष के परिता इस खंड का जड़त्वागुण हो जाएगा। इसी को हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बाद एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसका भी यहां पर ख्याल कर लें। ये मान लीजिए कोई एक पटल है, इसकी एक ये भुजा है एक ये और दूसरी ये भुजा है, यहां हमने तीनों अक्ष बनानी थी इसलिए इसको थोड़ा तिरछा बनाया हुआ है। तो ये इसकी एक्स अक्ष हो गई, ये इसकी वाई अक्ष हो गई, ये तो इसी पटल में है इसके पटल के ही तल में है, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के परपेंडिकुलर जो एक अक्ष है वो हमने ये दर्शा दी। ये तल एक्चुअल में क्या है कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये तो एक दूसरे इसके परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री, और ये वाई अक्ष के भी लंबवत ये है और एक्स अक्ष के भी ये परपेंडिकुलर है, तो ये जेड एक्सिस हो गई। तो जेड एक्सिस के अबाउट जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं आई जेड, तो ये हमारा आई एक्स यानी एक्स अक्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इस पटल का।
और प्लस वाई एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया इसी पटल का। इसको कभी कभी आई जेड जेड भी लिख लेते हैं, आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो ये तो अपना मेथड है, अपना वे है प्रेजेंट करने का। सिंगल एक्स लेटर से भी हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और डबल लेटर में भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आई एक्स एक्स का मतलब इस अक्ष के अबाउट, आई वाई वाई का मतलब इसके बराबर, आई जेड जेड का मतलब जेड एक्स के अबाउट। यही हमारी पहले लक्ष्य। तो इसमें दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष के दोनों जड़त्व आघूर्ण जोड़ देने से जेड अक्ष का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात हो जाता है। बस इतनी ही बात हमको ध्यान रखनी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर लौटते हैं। पहले लक्ष्य थ्योरम के बाद देखिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया। अब आप अपने क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करें। पहले लक्ष्य थ्योरम देखिए, सबसे पहला ये हम अपना पहला खंड लेते हैं। हमको निकालना क्या है, एक्स अक्ष के परता जड़त्व आघूर्ण निकालना, आई एक्स एक्स। क्योंकि लोड हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में लगने के कारण बेंडिंग नीचे की ओर होगी, साइड में नहीं होती है, इसलिए इसमें एक्स अक्ष पर ही जड़त्व आघूर्ण की आवश्यकता है। तो जो आई होता है वो आई एक्स एक्स ही निकालना होगा। आई का मतलब आपको आई एक्स एक्स निकालना है, न कि आई वाई वाई। तो आई एक्स एक्स निकालने के लिए इस अक्ष पर इस एरिया का जड़त्व आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। अब प्रश्न समझें, ये जो ए वन एरिया मान लिया था, नीचे वाला पटल मान लिया था, इसका जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के परता निकालना है, और ये अक्ष इसके गुरुत्व केंद्र से होकर नहीं जा रही है। तो फिर निश्चित है कि हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी होगी। पहले क्या करेंगे, इसी अक्ष के समानांतर तथा गुरुत्व केंद्र से जाने वाली एक अक्ष बनाएंगे, यानी ये अक्ष, और इसी अक्ष पर हम पहले इस एरिया का जड़त्व आघूर्ण निकाल लेंगे जो कि इसका आईजी कहलाएगा। तो अगर इस अक्ष पर हम इस पटल का, आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, आयताकार का तो बीडी क्यूब बाई 12 होता है, सिंपल। तो वही चीज देखिए, आईजी पहले हमने लिख लिया, पहले तो फार्मूला वही उतार लिया, आईजी 1 प्लस ए वन एच वन का होल स्क्वायर, यानी ए वन इसका एरिया और इंटू एच वन का मतलब यहां दी गई अक्ष से इसकी के गुरुत्व केंद्र की दूरी, ये एच वन यहां से यहां तक की इसका होल स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे के लिए हो गया आई जी 2 प्लस ए 2 इंटू एच 2 का होल स्क्वायर प्लस आई जी 3 प्लस ए 3 इंटू एच 3 का होल स्क्वायर। अब इन सब के मान यहां रखते चले गए, आई जी का मान वही है बी डी क्यूब बाई 12, तो 120 गुणे 20 का क्यूब बाई 12 हो गया, 120 गुणे 20 का क्यूब बाई 12, ये एरिया हो गया ए वन, 120 गुणे 20, 120 गुणे 20 ये एरिया हो गया, और एरिया के बाद एच वन, जरा एच वन को एक बार ध्यान लें क्योंकि यही इसमें नई चीज है। एच वन का मतलब जानते क्या, ये जो एक्स अक्ष पर आप जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं, तो यहां से इस अक्ष के यानी इसके गुरुत्व केंद्र की जो दूरी कितनी है, तो इसकी ये दूरी ज्ञात करने के लिए आपने इस अक्ष की तली से तो दूरी मान रखी है, इस अक्ष की तली से दूरी कितनी मानी है वाई बार, और इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी ये वाई वन ये दी गई है, तो यहां से यहां तक की दूरी ही तो ज्ञात करनी है। तो ये हमारी वाई बार में से वाई वन घटाना पड़ेगा, वाई बार में से वाई वन माइनस कर देंगे, फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारे ए इंटू एच वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे में है, ये दूसरे का जड़त्व आघूर्ण निकाल लेंगे इस वाले पटल का, ये 20 गुणा 100 का क्यूब बाई 12 लिखा जाएगा, इसका एरिया 20 गुणा 100 लिखा जाएगा, और प्लस इसी तरह से इसका, इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी ये y2 है, और इसमें y बार हमारा इससे नीचे है, तो y2 में से y बार घटा देंगे, y2 माइनस y बार घटा के और होल स्क्वायर कर देंगे, यानी जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा दिया जाता है और उसका स्क्वायर करना होगा। इसी तरीके से तीसरे में इसका अपनी अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, 80 गुणे 20 का क्यूब बाई 12 प्लस इसका एरिया 80 गुणे 20 गुणे इसका गुरुत्व केंद्र कितनी दूरी पर है, बाई 3 दूरी पर है, और बाई 3 में से यही बाई बार घटा दो, बाई 3 में से बाई बार घटा के और इसका बाई बार घटाया जाएगा, बाई 3 माइनस बाई बार का होल स्क्वायर ही हो गया। तो इस तरीके से ये तीनों फार्मूले लागू हो गए। अब इनमें बाई वन बाई टू के मान रख लिए सब सॉल्व करके। अब यहां देखिए बाई बार आया कितना है,
ये जो आपको यहां पर हमने बताया था कि वाई बार की वैल्यू तो आप पहले से हल कर चुके हैं ना, 62। यहां से वाई बार की वैल्यू यानी ये कितना है 62, तो ये वाई बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वाई वन वाई टू वाई थ्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये पूरा पद सॉल्व हो जाएगा और सॉल्व हो करके हमारा आई एक्स एक्स की वैल्यू ये ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद तो वाई मैक्सिमम की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, न्यूट्रल एक्सिस से वाई मैक्सिमम कितना है, तो वाई मैक्सिमम के लिए भी हम यहां पर अब फिर विचार करेंगे। देखिए हमारा न्यूट्रल एक्सिस यहां पर गुजर रहा है, यहां से ये दूरी ज्यादा है कि यहां से ये दूरी ज्यादा है, ये आप ऐसे देख लें, ये यहां तली से एक्स एक्स तक की दूरी कितनी है 62 mm, तो इस अक्ष से ऊपर संपीड़न वाले क्षेत्र तक की ये दूरी कितनी बची, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले तो ये निकाल लो टोटल हाइट कितनी है, ये बीच का भाग हमारा 100 mm का है, ये 20 का है, ये 20 का है, तो ये टोटल हाइट कितनी हो गई 140 की, तो 140 में से 62 घटा देंगे तो ये यहां से यहां तक हमारा 78 mm बच जाएगा, 140 में से 62 जैसे घटाएंगे तो ये 78 mm बच जाएगा, वो यहां से यहां तक की दूरी होगी। अब न्यूट्रल एक्सिस से ये ज्यादा दूरी पर है कि ये ज्यादा दूरी पर है, तो नेचुरल है कि ये ज्यादा दूरी पर है, तो वाई का मान यही वाला यूज किया जाएगा 78 mm। बस इसी कंसेप्ट को लेते हुए यहां पर देखिए रिमोटेस्ट फाइबर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष से सबसे दूर स्थित तंतु की दूरी वाई, वही 20 + 100 + 100 यानी टोटल हाइट ये निकाल दी 140 हो गई, उसमें से 62 घटाया 78 हो गई, तो ये 78 mm आ गई। अब इसके बाद सिंस वर्टिकल लोड ऑन बीम, क्योंकि बीम पर केवल वर्टिकल लोड है, इसलिए आई कौन सा यूज किया जाएगा, आई एक्स एक्स ही यूज किया जाएगा, आई इज इक्वल टू आई एक्स एक्स ओनली। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 kN, इसको हम न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करने के लिए 10^6 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हमारा न्यूटन एमएम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये न्यूटन एमएम में जब कन्वर्ट हो गया, अब इसके बाद हम सीधे इक्वेशन बेंडिंग इक्वेशन लिख लेते हैं, एम अपॉन आई इक्वल टू एफ अपॉन वाई, और यहां से एफ बराबर एम अपॉन आई इंटू वाई हमने नोट कर लिया, और वाई नोट कर लेने के बाद बस एफ के बाद सब एम अपॉन आई, एम का मान दिया हुआ है ये हमने नोट कर दिया, और ये आई का मान दिया था वो नोट कर दिया, और ये वाई का मान था वो भी नोट कर लिया, बस सिंपल कैलकुलेट किया हमारा 49.3 N/mm² इसकी वैल्यू आ गई। इस तरह से यही हमारा अधिकतम प्रतिबल है जो कि इसके फाइबर में संपीड़न वाले फाइबर में उत्पन्न होगा, ये इस तरह से हमको इसका आंसर प्राप्त हो गया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन में देखिए आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करने पर आपको विशेष सतर्क रहना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो आज के टॉपिक यहीं पर पूरा हो रहा है।